गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी को कंप्लीट कर लिए। आज आपका नौवां चैप्टर सुभद्रा कुमारी चौहान, इसे हमें पढ़ना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रमुख रचना मुकुल और त्रिधारा, ठीक, मुकुल और त्रिधारा इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसी एक रचना से जो है त्रिधारा, इसी से आपका एक शीर्षक है, झांसी की रानी की समाधि पर। ठीक, झांसी की रानी की समाधि पर ये क्या है, त्रिधारा से लिया गया है। तो इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है, हमें इसी की व्याख्या करनी है। ठीक, मैं यहाँ पर ज़्यादा कवियों और कवित्री के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में इसका जीवन परिचय क्या करना है, सभी का एक एक करके सभी के जीवन परिचय बताना ही है, उसको लिखवाना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक, और हम यहाँ पर केवल अभी क्या कर रहे हैं, व्याख्या पढ़ रहे हैं। और जीवन परिचय आपको जैसे ही काव्य समाप्त होगा वैसे आपको जीवन परिचय लिखवा दिया जाएगा। ठीक, तो देखते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं है स्मृतिशाला सी। सही वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कवित्री मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी की समाधि का वर्णन किया है। ठीक, झांसी की रानी की समाधि का वर्णन किया है। वर्णन मतलब क्या, सॉरी, समाधि मतलब क्या होता है। समाधि का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति, ठीक, कोई भी व्यक्ति यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका जहाँ पर शव दफनाया जाता है, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, जो एक स्मारक बनाया जाता है, ठीक, मतलब स्मारक बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, समाधि बोला जाता है। ठीक, मतलब किसी व्यक्ति के की मृत्यु हो जाने पर जो एक स्मारक बनवाई जाती है उसी को समाधि बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, कवित्री ने मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी की समाधि की विशेषताओं या समाधि के बारे में वर्णन किया है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ठीक, अब यहाँ पर कवित्री मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जी झांसी की रानी की समाधि का परिचय देते हुए कहती हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। कवित्री कह रही है कि यह जो समाधि दिखाई दे रही है यह कोई साधारण समाधि नहीं है, यह कोई साधारण समाधि नहीं है, बल्कि इस समाधि में क्या है, एक राख की ढेरी, मतलब इस समाधि में राख की एक ढेरी छिपी हुई है। कहने का मतलब जो राख का ढेर है वो इस समाधि के अंदर है। और कैसी राख है वो, कह रहे हैं कि जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कह रहे हैं कि यह वह आग थी, कवित्री कह रहे हैं कि यह वह आग थी कि जिसमें, ठीक, जिसने क्या किया है कि स्वयं जलकर स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, मतलब स्वतंत्रता की देवी की दिव्य, मतलब अलौकिक, दिव्य मीन्स क्या होता है, अलौकिक आरती की थी। ठीक, कह रहे हैं कि यह जो राख है यह उस आग से राख बनी है कि जिसने स्वयं जलकर क्या किया है, स्वतंत्रता की देवी की अलौकिक क्या की थी, आरती की थी, मतलब स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वयं की स्वतंत्रता के लिए, अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए क्या किया था,
कि अपने आप को बलिदान कर दिया था वो ऐसी वीरांगना की राख की ढेर इस समाधि में छिपी हुई है। ठीक, फिर आगे यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। कवित्री कह रही है कि यह जो समाधि है, ठीक, यह लघु समाधि है, क्या है, यह छोटी सी प्रतीत हो रही है। ठीक, कवित्री कह रही है कि यह जो छोटी सी समाधि है या बहुत ही मतलब छोटी सी समाधि प्रतीत हो रही है। कवित्री कह रही है कि यह जो समाधि है बहुत छोटी सी समाधि प्रतीत हो रही है झांसी की रानी की। कह रहे हैं कि लेकिन यह क्या है, झांसी की रानी की समाधि है। ठीक, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कह रहे हैं कि लक्ष्मी मर्दानी कहने का क्या मतलब है, मर्दानी मतलब होता है कि पुरुषों के जैसा। ठीक, तो कह रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई क्या थी, एक स्त्री होते हुए भी वीर पुरुषों के समान संघर्ष करने वाली क्या थी। अंतिम लीला स्थली यही कह रहे हैं कि उनकी कर्मभूमि। ठीक, लीला स्थली मतलब क्या है, उनकी कर्मभूमि और बलिदान का क्या है, यह समाधि स्थल है। ठीक, कह रहे हैं कि अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कह रहे हैं कि स्त्री होते हुए भी वीर पुरुषों के जैसा, ठीक, वीर पुरुषों के जैसा संघर्ष करने वाली उस लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि मतलब अंतिम कर्मभूमि और बलिदान का स्थल है। ठीक, यही कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी। भग्न मतलब क्या होता है, भग्न मीन्स होता है टूटा हुआ। ठीक, भग्न मीन्स क्या होता है, टूटा हुआ। अब विजय माला मतलब कह रहे हैं कि जिस प्रकार से विजय माला क्या होती है, टूट कर बिखर जाती है। ठीक, भग्न विजय माला सी बिखर गए वह। ठीक, कह रहे हैं कि किसके बिखरने की बात कर रहे हैं, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के अंगों के बिखरने की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार कोई विजय माला टूट कर बिखर जाती है उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई के अंग भी यहीं पर कट कर जहाँ तहाँ बिखर गए थे, यह वही स्थान होगा। ठीक, कह रहे हैं कि यह वही स्थान होगा कि जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के अंग कट कर बिखर गए थे। उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृतशाला सी। कवि कह रही है, सॉरी कवित्री कह रही है कि माला के फूलों के समान ही क्या है, जो रानी लक्ष्मीबाई के फूल मतलब रानी लक्ष्मीबाई के फूल, कह रहे हैं कि उसके फूल किसके लिए, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के फूल। और फूल का अर्थ यहाँ पर क्या है, अस्थियाँ, हड्डियों से बात है, तो हड्डी शब्द ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा, अस्थियाँ ही कहेंगे। ठीक, क्योंकि कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि उसकी हड्डियाँ प्रवाहित की जा रही हैं। ठीक, क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको जलाया जाता है, ठीक, तो उसकी क्या होती हैं, उसकी अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर अस्थियां कहना ही ज़्यादा उचित होगा। वो तो केवल समझाने के लिए आपको बोल दिया कि हड्डियां, ठीक, अस्थि का पर्यायवाची भी होता है हड्डी। ठीक, तो यहाँ पर हम अस्थि शब्द का ही प्रयोग करेंगे। यही क्या है, यही हिंदी भाषा की एक खास बात है कि जहाँ पर क्या होता है, जैसा चाहे उस अर्थ में उस शब्द का यूज किया जाता है। ठीक, तो वो तो केवल समझाने के लिए यहाँ बोला गया। जैसे आप सुने होंगे एक ही शब्द के कई अर्थ, जैसे आप पैर ले लीजिए, उसको आप कई अर्थ में बोलते हैं, चरण बोलते हैं, टांग बोलते हैं, पद बोलते हैं, गोड़ बोलते हैं, ठीक, लात बोलते हैं, कई अर्थ में आता है, लेकिन होता क्या है, सभी का अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग स्थान पर उसका यूज किया जाता है। ठीक, जैसे अगर बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे किसी से मिले तो चरण स्पर्श करते हैं, तो कहते हैं ना, बोलते हैं पांव लागे या चरण स्पर्श, वहां तो ये तो नहीं कहते, कह देते ना कि लात लागे। ठीक, या कोई ये नहीं कहता कि सर हमको चरण से मार दिए, ऐसा बोला जाता है, नहीं बोला जाता है सर हमको लात से मार दिया, पैर से मार दिए। ठीक, तो हर जगह अलग अलग, अभी जैसे होता क्या है, अभी मैंने सूरदास जी को आपको पढ़ाया, वहाँ पर कबीर सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंधौ हरि राई, तो चरण शब्द आया था वहाँ पर, अगर ये अर्थ बताया जाता आपको कि सूरदास जी कमल के समान लात की जो है वंदना करते हैं, तो कितना अजीब लगता है ना, कितना अजीब लगता। तो वहाँ पर क्या है, अलग अलग कहाँ पर कैसा शब्द यूज करना है,
कहाँ पर कैसा शब्द का प्रयोग करना है वो हिंदी भाषा में अच्छी तरीके से, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में तो सबके लिए एक ही शब्द है, लेग। ठीक, चाहे आप मार दीजिए, चाहे पूजा कर लीजिए, चाहे जो कर दीजिए, उसके लिए एक ही शब्द है, लेग। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अस्थि कहना ही ज्यादा उपयुक्त होगा। तो देखिए कह रहे हैं कि उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृतशाला सी। ठीक, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से माला के कह रहे हैं कि माला के फूलों के समान ही रानी लक्ष्मीबाई के फूल अर्थात अस्थियाँ, अर्थात अस्थियाँ क्या किए हैं, इकट्ठा करके इस समाधि में रखे गए हैं, और है यह स्मृति शाला सी। और क्या है, यह रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति शाला सी है, मतलब रानी लक्ष्मीबाई की यादों में ही, उनकी स्मृति के लिए ही उनका स्मृति स्थल यही है, अर्थात उनकी यहाँ पर समाधि है। ठीक, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। ठीक, कह रहे हैं कि सहे वार पर वार अंत तक, कह रहे हैं कि इसी स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं के बार बार होने वाले जो प्रहार थे, ठीक, प्रहार को क्या किया, सहन किया। सहे वार पर वार अंत तक, मतलब जो अंग्रेजों के द्वारा प्रहार पर प्रहार किए जा रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई ने उसको इसी स्थान पर सहन किया था। लड़ी वीर बाला सी, और वह क्या थी, वीरांगनाओं के समान बहुत वीरता पूर्वक अंग्रेजों से मुकाबला की थी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, और अंत में क्या हुआ, मतलब स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में क्या की, अपनी आहुति दे दी। ठीक, कहने का मतलब है कि आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, ठीक, कह रहे हैं कि अंत में यज्ञ में दी गई आहुति के समान ही वह क्या हो गई, मृत्यु की सया पर, मतलब मृत्यु की सया पर चढ़ गई, या अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। और चमक उठी ज्वाला सी, और कह रहे हैं कि देश प्रेम के यज्ञ में क्या हो गई, वो बलिदान हो गई, रानी लक्ष्मीबाई अपने आप को बलिदान कर दी। और चमक उठी ज्वाला सी, और अग्नि के समान वह चमक उठी, और यहीं से उनका उज्ज्वल यश चारों तरफ फैल गया। ठीक, यहीं से रानी लक्ष्मीबाई का जो यश था वो चारों तरफ फैल गया। ठीक, कह रहे हैं कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। यहाँ पर कवित्री कह रहे हैं कि इसी स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के द्वारा या शत्रुओं के द्वारा बार बार होने वाले प्रहार को सहन किया, और लड़ी वीर बाला सी, और वह वीरांगनाओं के समान बहुत वीरतापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला की, और आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। और कह रहे हैं कि अंत में यज्ञ में दी जाने वाली जो आहुति होती है, ठीक, यज्ञ में दी जाने वाली आहुति के समान वह मृत्युशैया पर क्या हो गई, मृत्युशैया पर चढ़ गई, और देश प्रेम के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और क्या है, चमक उठी ज्वाला सी, और जिस प्रकार से अग्नि चमक उठती है उसी प्रकार से यहीं से रानी लक्ष्मीबाई का यश चारों दिशाओं में फैल गया। ठीक, अब आगे, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कवित्री क्या है कि युद्ध में बलिदान होने से क्या कह रहे हैं, कवित्री कह रहे हैं कि युद्ध में बलिदान होने से वीरों का जो सम्मान होता है वो और अधिक बढ़ जाता है। ठीक, कह रहे हैं कि यदि कोई वीर पुरुष है और वह अगर युद्ध में क्या होता है, खुद को बलिदान कर देता है, तो उसका मान, उसका यश और बढ़ जाता है। ठीक, कैसे, कह रहा कि बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से। कवित्री कह रही हैं कि झांसी, मतलब झांसी की रानी की समाधि के बारे में परिचय देते हुए कवित्री कह रही है कि युद्ध में बलिदान होने से ही, रण में बलि होने से, कह रहे हैं कि युद्ध में बलिदान होने से ही बढ़ जाता है मानवीर का, कह रहे हैं कि वीरों का मान सम्मान यश और अधिक बढ़ जाता है। कैसे, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। कैसे, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से, ठीक, कवित्री कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सोने की भस्म क्या होती है, एक अमूल्य रसायन बन जाती है, मतलब सोने, भस्म मीन्स क्या होता है, राख, भस्म मीन्स क्या होता है, राख, कह रहे हैं कि जो सोने की राख होती है वो क्या होती है,
वह एक भस्म, सोने की जो भस्म होती है वो एक रसायन बन जाता है, और वह किस काम में आता है, वो एक अमूल्य औषधि होती है। ठीक, वह एक अमूल्य औषधि होती है, तो सोने से भी अधिक क्या होता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर वही कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार से सोने की भस्म एक अमूल्य रसायन हो जाता है, और वही अमूल्य रसायन क्या हो जाता है, एक मतलब औषधि का काम करता है, और उसका जो मूल्य होता है वह सोने से कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि युद्ध में बलिदान होने से भी क्या होता है कि वीरों का मान सम्मान यश उनका और बढ़ जाता है। ठीक, फिर आगे, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अब देखिए यहाँ पर भी कवित्री कह रही है कि रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, कह रहे हैं कि रानी की समाधि, रानी से भी मतलब कह रहे हैं कि रानी की समाधि से हमें क्या है, मतलब कह रहे हैं कि जो रानी की समाधि है यह हमें रानी से भी अधिक प्यारी है। ठीक, मतलब जितना लगाव जितना प्रेम हमें रानी लक्ष्मीबाई के समाधि से है उतना रानी लक्ष्मीबाई से नहीं है। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, कवित्री कह रहे हैं कि रानी की इस समाधि से हमें रानी से भी अधिक प्यारी है। कह रहे हैं कि रानी कहने का मतलब सीधे सीधे भाव ये है कि जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है वह हमें रानी लक्ष्मीबाई से अधिक प्यारी है। ठीक, फिर आगे, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, कवित्री कह रही है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस समाधि में, इसी समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी छिपी हुई है। कहने का मतलब है कि यहीं से हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रेरणा मिली है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर काव्य सौंदर्य बता देते हैं, ऊपर वाले में जो मैंने पढ़ाया वहाँ पर खड़ी बोली है। ठीक, खड़ी बोली है, और अगर रखना चाहेंगे तो अनुप्रास अलंकार रख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद जो अभी मैंने पढ़ाया, बढ़ जाता है मान वीर कारण में बलि होने से, यहाँ पर खड़ी बोली है, उपमा अलंकार है। ठीक, और अनुप्रास अलंकार भी आप रख सकते हैं। चलिए आगे, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, यह समाधि या चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कवित्री ने रानी की जो समाधि है, ठीक, रानी की समाधि का अन्य समाधियों से तुलना की है कवित्री ने। ठीक, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से अन्य समाधियों की तुलना कर रही हैं। ठीक, क्या कर रही हैं, कह रहे कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, कवित्री कह रही है कि इस समाधि से भी बढ़कर हम क्या करते हैं, इस संसार में और भी अधिक समाधियां हमें मिल जाती हैं, यहां समाधियां हमें मिलती हैं। ठीक, और उनकी गाथा पर निषिद्ध में क्षुद्र जंतु ही गाते। अब देखिए यहां पर भाव क्या है, यहां पर कवित्री क्यों ऐसा कह रही है कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, कवित्री यहां पर कहने का मतलब है कि रानी लक्ष्मीबाई कि जो समाधि है इससे बहुत अच्छी सुंदर समाधियां हमें संसार में मिल जाती हैं। ठीक, लेकिन उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, लेकिन निशीथ मीन्स क्या होता है, निशीथ रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, निशीथ क्या है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। तो कवित्री कह रही है कि लेकिन रात्रि के समय में क्या होता है, रात्रि के समय में जिसकी समाधि है उनका क्या करते हैं, क्षुद्र जंतु ही गाते, क्षुद्र जंतु मतलब जैसे तुच्छ जीव जंतु की बात करें, जैसे झींगुर छिपकली, ठीक है ना, रात में जो बोलने वाले जीव जंतु हैं उनकी बात यहाँ पर कवित्री कह रही है। तो कह रहे हैं कि क्षुद्र जंतु ही गाते, तो कह रहे हैं कि झींगुर छिपकली ये क्या होते हैं, उन समाधियों में घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, और वही उनका यशगान करते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर इन्हीं क्षुद्र जंतुओं का ही डेरा रहता है। ठीक, फिर देखिए कह रहे हैं कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीत में क्षुद्र जंतु ही गाते, कवित्री कह रही है कि इस समाधि से
बढ़कर मतलब बहुत सारी सुंदर सुंदर समाधियां हमें संसार में मिल जाती हैं। कवित्री कह रहे कि लेकिन भले ही वह क्या हो, सुंदर हो, विशाल हो, लेकिन रात्रि के समय में उनका यशोगान कौन करता है, उनका यश का गान, उनका यशोगान झिंगुर छिपकली जैसे क्षुद्र जीव जंतु ही करते हैं और उनकी समाधियों पर वो टहलते भी हैं। ठीक, फिर आगे पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, इसने और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। ठीक, कवित्री कह रही है कि जबकि जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है इसका यशोगान कौन करता है, पर कवियों की अमर गिरा में, कह रहे हैं कि कवियों की अमर वाणी द्वारा होता है। ठीक, कह रहे हैं कि जबकि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का यशोगान कवियों की अमर वाणी द्वारा होता है। और क्या होता है, देखिए जो लास्ट वाली लाइन है इसका हम अर्थ में, सॉरी इसकी अमिट कहानी, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में चर्चा कर लेंगे। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। ठीक, कह रहे हैं कि जिसमें स्नेह और क्या होती है, श्रद्धा रहती है। कह रहे हैं कि जिसमें स्नेह और श्रद्धा रहती है, और कह रहे हैं कि इसकी अमिट कहानी, कह रहे हैं कि इस प्रकार रानी का यशोगान क्या होता है, मतलब अमर रहता है। इसकी अमिट कहानी, और कहानी मतलब यशगान। ठीक, और अमिट मतलब क्या होता है, कभी ना मिटने वाला, मतलब अमर। ठीक, तो यहाँ पर वही कवित्री कह रही है कि इस जो क्या होता है कवियों की अमर वाणी द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का यशोगान होता है, तो उसमें क्या होता है, स्नेह और श्रद्धा रहती है। ठीक, उसमें स्नेह और श्रद्धा रहती है, और वो क्या होता है, वह हमेशा अमर रहता है। ठीक, वह क्या है, हमेशा के लिए अमर है, और वीरों की वाणी, और जिसका गान वीर पुरुष के बराबर करते रहेंगे। ठीक, करने का मतलब जो जिस प्रकार से वीर पुरुषों के क्या होता है, यश गान होता है, तो उसी प्रकार से कवि भी हमेशा क्या करते रहेंगे, रानी लक्ष्मीबाई के यश का गान करते रहेंगे। ठीक, फिर से देखते हैं, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। यहाँ पर कवित्री कह रही है कि जबकि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का यशोगान कवियों की अमर वाणी द्वारा होता है, और उसमें स्नेह और श्रद्धा रहती है, और क्या होता है कि जो हमेशा के लिए अमर रहेगा, और जिसका गान वीर पुरुषों के बराबर करते रहेंगे। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से वीर पुरुषों का गान होता है, उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई के भी यशोगान होता रहेगा। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। ठीक, अब यहाँ पर कवित्री कह रही है कि बुंदेले मतलब कह रहे हैं कि बुंदेलखंड के जो लोक गीत गाने वाले लोग हैं, कह रहे हैं कि उनके मुख से हमने यह कहानी सुनी है, हमने सुनी कहानी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, कह रहे हैं कि बुंदेलखंड के जो लोक गीत गाने वाले लोग हैं उनके मुख से हमने यह कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वाती झांसी वाली रानी, कह रहे हैं कि जो वीर पुरुषों के समान अंग्रेजों का मुकाबला की थी वह कोई और नहीं बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी। ठीक, यह समाधि या चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यह समाधि, कवित्री कह रही है कि यह जो समाधि है यह चिर समाधि है। चिर मतलब क्या है, युगो युगो तक रहने वाली। ठीक, चिर मतलब क्या है, युगो युगो तक रहने वाली। कवित्री कह रही है कि यह जो समाधि है यह युगो युगो तक रहने वाली समाधि है। ठीक, किसकी है, झांसी की रानी की। कह रहे कि यही रानी लक्ष्मीबाई के क्या है, बलिदान के, बलिदान का क्या है, स्थान है, उनकी कर्मभूमि, अंतिम लीला स्थली। ठीक, कह रहे हैं कि यही रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की बलिदान का स्थान है, और लक्ष्मी मर्दानी की, कह रहे हैं कि जो वीर पुरुषों के समान अंग्रेजों से युद्ध लड़ी थी, जो वीर पुरुषों के समान अंग्रेजों से मुकाबला की थी। ठीक, तो इस तरीके से आपका 9वां चैप्टर भी क्या हुआ, समाप्त तो हुआ। यहाँ पर भी आपका खड़ी बोली और अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, हाँ, पूरे में ओज गुण भी है। ठीक, पूरे में क्या है, ओज गुण भी है, आप वहाँ पर रख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद अगला चैप्टर आपका है मैथिली शरण गुप्त। अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक होगी, मतलब कम से कम 3 साल पुरानी अगर बुक से वो पढ़ रहा होगा, तो उसके में होगा त्रिलोचन शास्त्री। ठीक, उनमें क्या होगा, त्रिलोचन शास्त्री होगा, बढ़ अकेला।
तो वो उसको नहीं पढ़ेंगे। कारण क्या है कि आपका दो साल पहले सिलेबस चेंज हो गया था, थोड़ा सा दो चैप्टर चेंज हुए थे, त्रिलोचन शास्त्री जी को हटाकर मैथिली शरण गुप्त जी को रखा गया है। ठीक, भारत माता का मंदिर यह चैप्टर रखा गया है आपके सिलेबस में, तो हमें उसको पढ़ना है। ठीक, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर बुक में तो हमारे क्या है बढ़ अकेला है त्रिलोचन शास्त्री जी का, आपने छोड़ दिया। तो हमने छोड़ा नहीं है, बल्कि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं मैथिली शरण गुप्त के साथ, भारत माता का मंदिर यह। ठीक, भारत माता का मंदिर यह, इससे अगले वीडियो में मिलते हैं। बस आपका क्या है कि चार दिन में आपका सिलेबस पूरा हिंदी काव्य का समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर इसी में का अनिवार्य संस्कृत पढ़ेंगे, फिर उसी के साथ जैसे वहाँ पर संस्कृत शुरू करेंगे आपकी क्लास टेंथ की भी संस्कृत शुरू कर देंगे। ठीक, तो दोनों संस्कृत एक साथ चलेगी, तो यहाँ से आपका हिंदी और संस्कृत कंप्लीट होता रहेगा। हाँ, इंग्लिश के लिए आप लोग परेशान ना होइएगा, इंग्लिश के टीचर आपके अभी एक हफ्ते तक तो नहीं आएंगे। ठीक, एक हफ्ते तक नहीं आएंगे, कोई रीजन है इसी कारण से वो नहीं आ पा रहे हैं, और वो इंग्लिश भी आपका कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।